बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिट फॉर नॉर्मल? ठीक ठाक हैं आपको? बहुत ज़बरदस्ती में बगैर कद्दूकश के झटपट मिनटों में तैयार करके बताऊंगी कि किस तरह गाजर का हलवा तैयार किया जाता है। चंद इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ज़बरदस्त लाजवाब गाजर का हलवा तैयार होगा। सर्दियाँ आए हैं, गाजर का हलवा ना बनाया जाए कैसे हो सकता है? तो गाजर का हलवा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाने की चीज़ है, सर्दियों की बहुत ज़बरदस्त सौगात है सर्दियों की। तो आएँ चले मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब की दीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ उन लोगों से गुजारिश है जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में ये गाजरें मैंने कट कर ली थी, सही है, इतनी मोटी मोटी कट कर ली हैं। और ये बगैर कद्दूकस के बहुत ज़बरदस्त लाजवाब बनेंगी, तो हम इसमें शामिल कर लेंगे। धो धा के हमने इसको शामिल कर लिया है। तो ये हमारा जो है निशान से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं हमारा ये फटने का डर रहता है, इसलिए हमको कम रखेंगे गाजरों को। गाजर हमने शामिल किया, इसको हमने आधा कर लिया। हमें तीन निशान होता है, इससे ज़्यादा नहीं रखना होता है, सही है। तीन निशान नज़र आ रहे हैं स्क्रू का, इससे ज़्यादा आएगा तो आपको कुकर फटने का खतरा रहता है। जिन लोगों को कुकर फटने का डर होता है या कुकर फट जाता है, इसी वजह से फटते आप लोग बहुत ज़्यादा भर देते हैं कुकर में। तो ये तीन डॉट के जो निशान है इससे नीचे रखें गाजरों को। हमारा दूध बहुत ज़्यादा होगी, थोड़ा दाल में कम कर लिया है। उसमें दूध शामिल करेंगे, एक कप दूध भर के दो कप डालेंगे इसमें हम, और इसका पानी भी अपना छूटता है इसलिए हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। गाजर का अपना पानी भी कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और ये बहुत बड़ा फायदेमंद चीज़ है गाजर, जो कि आँखों की बिनाई की तेज़ी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आयरन बढ़ाता है, खून बढ़ाता है, तो जिनमें खून की कमी है आयरन की कमी है वो ये गाजर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा और आँखें भी आपकी जो नज़रें बिनाई कमज़ोर हैं वो तेज़ होंगी इंशाल्लाह। ये कुकर हमने ढक दिया है, इसको अभी को रख देंगे और मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद। व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा देखें ज़बरदस्त से ये गाजर बिल्कुल गल चुके हैं गाजर हमारे, अभी को हम मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। तो देखिए बहुत जल्दी झटपट बन चुका है ये। ये कुकर में जो है हमें गाजर 30 से 45 मिनट लगे हैं इनको गलने में, और हमें कोई इसको कद्दू करने की झंझट नहीं उठानी, चॉपर से चॉप करना भी कोई वो नहीं है कि चॉपर नहीं है तो गाजर का हलवा कैसे बनेगा। बस आप इसको गलाएं, बड़ा बड़ा काटें, जिस साइज़ में भी काटें उनको गला लें बस, और उसको मैश कर लें। देखें कितना अच्छा सा मैश हो गया ये। अब आगे का मैं स्टेप बताऊँगी किस तरह से इसको करना है। बहुत झटपट रेडी होता है और बहुत ज़ायकेदार बहुत ज़बरदस्त ये गाजर का हलवा बनता है। इसमें हम बकाया भी जो हमने मैश किया था वो शिफ्ट कर देंगे इसमें। ये देखिए कितना अच्छा हलवा बन चुका है, ये बिल्कुल लग ही नहीं रखे हमने इसको जो है कुकर में, बड़ा बड़ा काट के गलाया था, कद्दूकश भी नहीं करना पड़ा ना ही चॉपर में चॉप करना पड़ा, और ज़बरदस्त से रेडी है। अब आगे का इसका प्रोसेस बताऊँगी। पतीली में हमने जो है घी ले लेना है, इसलिए असली घी या फिर वैसे घी में बनेगा, ऑयल में नहीं बनेगा, मीठी चीज़ हमेशा घी में बनती है। तो हम 3 से 5 टेबलस्पून हम लोग घी लेंगे इसमें। इसमें हम शामिल करेंगे इलायची, छोटी इलायची 3 से 4 अदरक छोटी इलायची, इससे बहुत ज़बरदस्ती खुशबू हो जाएगी। इलायची हमारी जो है अच्छी तरह से हो चुकी है, अब इसमें हम शामिल करेंगे जो मैश किए हुए गाजर में शामिल करेंगे। तरह से हमें जो है इसको भून लेना है ताकि ज़रा भी इसमें पानी वो खुश्क हो जाए, पानी ना रहे, गाजर में पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है तो पानी इसमें खूब है। इसमें साथ ही दूध जो हमारा बचा हुआ दूध था वो शामिल करेंगे। दूध ज़रूर शामिल कीजिएगा गाजर को, अगर आप शादियों वाले देगी जर्दा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दूध बहुत ज़रूरी है। दूध शामिल करेंगे, चीनी जितने आपको मीठा पसंद है उतना आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास 2 किलो गाजरें और 2 किलो दूध और चीनी जो है मीठे के हिसाब से डाल लूँ 1 कप भर के, अगर कम लगी तो और डाल दूँगी मैं। 2 किलो गाजर, 2 किलो दूध और चीनी 1 कप भर के अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे, और इतना इसको भूनना है कि पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, तेल ऊपर आ जाए।
बहुत ज़बरदस्त ही रेसिपी होती है, बहुत झटपट है, कोई हाई फाई कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है। चीनी का कंटेंट कम लग रहा था, मैंने चीनी एक कप और डाल दिया, यानी कि 2 किलो दूध, 2 किलो गाजरें और 2 कप भर के चीनी, चाय का कप जो होता है वो भर के डाला है। हमारा गाजर का हलवा जो है रेडी होने वाला है, उसमें और जो लवाजमात जाएंगे वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा चलाना बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो उतना ही इसमें पानी खुश हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब इसमें पानी का जो है कंटेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो अब इस पॉइंट पर हम अंडा शामिल करेंगे। अंडे आप अपनी मर्ज़ी और जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको मिक्स करना शुरू करूँगी। अंडा इसमें शामिल कर दिया है, थोड़ा सा मैं अभी इसमें खोया या मावा जिसे कहते हैं वो, अगर नहीं है आपके पास तो आप इसमें खुश दूध भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा से पिस्ते बादाम, थोड़े से मेवे जात होते हैं वो शामिल कर देंगे इसमें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, भीनी भीनी सी, सौंधी सौंधी सी, जैसे शादियों में गाजर का हलवा खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। आप भी इस तरीके से बनाइए, बहुत झटपट और इजी रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है, वो फटाफट तैयार होती है। आप इसमें जितना ज़्यादा अंडा डालेंगे उतना ज़बरदस्त लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 ऐड थे तो मैंने वो डाल दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी तरफ से गाजर का हलवा बनकर रेडी हो गया, ऑयल ऊपर आ गया है और पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है, हम इसको बाउल में निकाल लिया, इसमें थोड़ा सा खोया सजाएंगे हम। बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट से खोया, या आप घर पर बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी भी डाल दूंगी है कि किस तरह बनाया जाता है खोया घर पर। ये एग मैंने बॉईल कर लिए थे, ये आप डालें, इससे आपके जायके को 4 चांद लगेगा, बहुत ज़बरदस्त होता है ये। थोड़े से मेवा जाते हैं मेरे पास, ये लीजिए ज़बरदस्ती हमारे गाजर के हलवे की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, बनाइए खाइए एंजॉय कीजिए, जहाँ रहिए खुश रहिए आबाद रहिए। अल्लाह पाक हर उस जगह से आपको रे खुशियाँ और नेमतें अता करे जहाँ से आपका गुमान ना हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।